इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते इसलिए फरार का रास्ता ढूंढ रहे। तुम हार चुके हो। मोहब्बत करता हूँ मैं। अपने और रूमी के रिश्ते को सच पर कायम करो। अब से मेरा खाना मेरे कमरे में सर्व हुआ करेगा। नो ऑफिस से लेट आना, मेरे नखरे उठाने होंगे, मेरे मूड स्विंग्स बर्दाश्त करने होंगे। मैं गुस्सा कर सकती हूँ लेकिन तुम नहीं कर सकते। अब आपको सिर्फ मेरा नहीं हमारा ख्याल रखना होगा। ऑफिस जाएगा तो सोचता भी मत तुम। हाँ और बहुत सारी शॉपिंग करो, इट विल मेक यू हैप्पी। और देखो सपोर्ट करो, थोड़ा सा रियाज कर लिया करो। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरा पोता पोती हो रही ना, सुरीले पैदा करो। वाह वाह वाह। और प्रोटीन रिच डाइट लेना शुरू कर दो। हाँ और 10 लड़के और लड़कियों के अभी से नाम अच्छे से सोच के रख, जिसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। आज के लिए ना काफी है। और वैसे भी अगर मुझे कोई मशवरा लेना होगा तो मैं अपनी सास से ले लूंगी। आप लोग अपने मशवरे हमजा के लिए संभाल के रखें। हाँ बस ये बात सही कह रही है, हमजा बहुत आउट ऑफ ट्यून चल रहा है, उसकी चुनी जरूरी है। बट डैड आप फिक्र मत करें, जो भी आने वाला या आने वाली होगी ना, हमजा की ऐसे ट्यूनिंग करेगा या करेगी कि वो बिल्कुल लाइन पर आ जाएगा डैड। हाँ हाँ हाँ, हाँ। लेकिन देखो उसके बाद ये क्या, रूमी से मोहब्बत करने लगे हो ना तुम? ये झूठ का इकरार कर कर अपने और रूमी के रिश्ते को सच पर कायम कर कर
जैसे आपके लिए सब कुछ तकलीफ दे और अजियत ना के, वैसे ही मेरे लिए आपको तकलीफ में देखना मुमकिन नहीं है। अपने किए हुए जुर्म का एहसास और बढ़ जाता है। आपकी और रूमी की मुजरिम मैं हूं, तो फिर आप किस बात की सजा काट रहे हैं? और कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि आप हाथ पकड़कर मुझे घर से निकालते हैं। और जब दुनिया सवाल करे तो आप यही जवाब दें कि मेरा किरदार दागदार था। यही सच है, और इस सच को दुनिया के सामने लाने पर मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं होगी। मैंने फैसला कर लिया, मैं आज ही रूमी को सब सच बता दूंगी। आंटी कहाँ है? छुट्टियों पर। छुट्टियों पे क्या मतलब? अरे बताती हूँ यार, मिठाई खाओ। मिठाई किसी? खाओ तो सही। दाओ किसी की है? आओ, बताती हूँ ना, बहुत बड़ी खुशी है, सुनकर पागल हो जाऊँ। बता दो अब। तुम और मैं और तुम, हम दोनों पप्पू बनने वाले हैं। और देखो ना, मामा लगी हुई है रूमी की खिदमत करने और मुझे मिठाई के साथ भेज दिया। वो कुछ दिनों तक नहीं आएंगी तो इस ऑफिस की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कमजोर कंधों पर है। प्लीज कोई भंड मत मारना, ठीक है? गुड लक। झूठ बोलकर रिश्ता निभाने में हर वक्त डर लगा रहता है कि कब सच सामने आ जाए और पता नहीं क्या हो जाए। मगर सच बोलकर दिल को इत्मीनान जरूर होता है कि सब सही हो जाएगा, हालात सुधर जाएंगे। कुछ ठीक होने की उम्मीद नहीं है किरण, मेरे इस घर में होने या ना होने से अजीम को कोई फर्क नहीं पड़ता। इजाद की नफी से बढ़कर और तकलीफ से कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी तुम इस घर में उसी हैसियत से मौजूद हो, क्यों? जानती हो हम ना, अगर अजीम भाई की जगह कोई और मर्द होता ना, तो यकीन मानो एक सेकंड नहीं लगाता तुम्हें इस घर से और अपनी जिंदगी से निकाल फेंकने में। लेकिन अजीम भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया, जानती हो क्यों? क्योंकि अजीम भाई ही तुमसे सच्ची मोहब्बत करते हैं। दिल टूटा है उनका, दुखी है, अपने साथ हुए धोखे और ज्यादती पर गुस्सा है, लेकिन फिर भी हम ना वो दुनिया के सामने जब्त कर रहे हैं, और तुम हो कि तुम्हें कोई हालात के बेहतर होने की कोई उम्मीद तक नहीं। जानती हो ना हम, तुम्हारी मोहब्बत का दावेदार हमजा भी था। उसने मोहब्बत में जो कुछ किया सबको पता है, और एक दावेदार अजीम भाई है।
जो मोहब्बत के दावे नहीं कर रहे, मोहब्बत की बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे, बल्कि अपने साथ हुई ज्यादती के बावजूद भी वो तुम्हारी इज्जत को दुनिया के सामने कायम रखे हुए। मैं तो तुम्हें यही कहूंगी कि तुम्हारा ये फर्ज है कि तुम अजीम भाई का साथ दो। अपने गुस्से को जब्त कर जाओ, उनका साथ दो। बहुत मुबारक हो तुम दोनों को, बहुत खुश नसीब हो। अल्लाह ताला अपनी रहमत और नेमत से नवाजने जा रहे हैं। असल जिंदगी तो अब शुरू हो रही है। जिस रिश्ते से जुड़ने जा रहे हो उसका एहसास, उसकी खुशी लफ्जों में बयान करना मुमकिन नहीं है। उसके आने से किस कदर रिश्ता मजबूत होगा तुम दोनों का अंदाजा ही नहीं है। हमने और अजीम को बताया? अभी नहीं बताया, लेकिन आप भी मत बताइएगा, मैं खुद बताऊंगी। अच्छा तो बता। मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस में भेजे हुए काम वापसी भी पे कर लेता। आराम किया कर, शरारत नहीं कर लिया। ठीक है, टाइम गुजारने हमें एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए। ऐसा कोई सीन नहीं है, ना टाइम गुजारने का वक्त है ना अंडरस्टैंडिंग का। इसलिए मेरी माँ के किसी भी दिए हुए झूठे आश्रय पे मत आना। लेकिन अब सब तुम और मैं और तुम, हम दोनों फूफा बनने वाले हैं। आओ बेटा, आ जा बैठो। हमजा और रूमी तुम्हारी अम्मी की तरफ ही गए। अच्छा, मेरी गलती है, मुझे फोन करके आना चाहिए था। तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, इनफैक्ट तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। अब वो दोनों नहीं है तो तुम मुझे मुबारकबाद दे दो। क्या हुआ, तुम्हें रूमी और हमजा ने कुछ नहीं बताया? नहीं। तुम खाला बनने वाली हो। बहुत बहुत मुबारक। मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ। जकिया, जकिया चाय लेकर आओ। Yes.
अंदर भेजो उसे। लड़ने नहीं आया ना, अपने खिलाफ इस जंग को रोकने आया। कर लेना हिसाब बराबर। मैं थोड़ी मोहलत चाहता हूं। तुम तो रूमी को सब कुछ सच सच बताने वाले थे, नहीं बता सकता। अंदाजा था मुझे तुम जैसा शख्स सिर्फ छोटी प्रेग्नेंट है, इसके रिक्वेस्ट है इस जंग को फिलहाल यही होते। आपको अंदाजा है कि आपने किस मुसीबत में डाल दिया। एक ऐसे दलदल में जिससे निकलने के लिए जितने हाथ पैर मारो उतने ही दस्ते जाएंगे। आप अपने आप को मेरा और रूमी का मुजरिम ठहराती थी ना, अब इसमें एक और इंसान का इजाफा कर लें। जो भी इस दुनिया में आया नहीं लेकिन आपके किए की सजा उसका मुकद्दर बन चुकी है। अजीम, अजीम मैं खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता। जज्बात में कोई गलत कदम मत उठाइएगा। इस वक्त ना तो मुझे आपकी परवाह है और ना ही हमजा की। परवाह है तो मुझे सिर्फ रूमी और उसके होने वाले बच्चे की। अगर उनको कोई भी नुकसान पहुंचा मैं अपने हाथों से सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। क्यों मैं तुमको पुकारूं आंसू
उसकी दुआ करे आज। उनके दिल में किसी तरह का रहम है और वो मुझे माफ कर दे, वरना सब बर्बाद हो जाए। इश्क किया मैंने हाँ, मैं हारा, मैं हारा, मैं हारा। किधर? ऑफिस। कब खत्म हो गई ऑफिस? अभी तो शुरू कराया तुमने। हाँ तो मैंने तो तब कहा था ना तुम फारिग कर रहे थे, तुम्हारी और जिम्मेदारियां यार, और अंकल को बोलो उनका बिजनेस है वो खुद ही संभाले। अच्छा? हाँ चलो ठीक है, आज ऑफिस जाऊंगा और उनको बोलूंगा भाई खुद संभाले। ठीक है जा। मेरी बात सुनो, मुझे नाराज नहीं हुआ करो। ओके ठीक है, मेरा बहुत दिल चाहता है मैं बहुत सारा प्यार करूं, लेकिन ऑलरेडी टाइम बहुत कम होता है। अच्छा ठीक है जा, मेरी डोर। हेलो, 12 बजे से पहले वापस मत आना। रात के 12 बजे से पहले? क्यों? तुम्हारी अम्मी ने ना एक गेट टुगेदर रखी है खुशी में, हम ना भी आ रही है, उनके कुछ दोस्त भी आ रही है, लेकिन मसला उनकी दोस्तों की बेटियों का है, उनकी राल टपकेगी तुम्हें देख के, और तुम्हें तो पता है मैं कितनी पसंद से हूँ तुम्हारे बारे में। अच्छा तुम्हारे अब्बू के जाने के बाद पहली बार उसके चेहरे पे मुस्कुराहट और आंखों में खुशी देखी है, बिल्कुल बिखर गई थी वो, अल्लाह ने समेट दिया उसे, ऐसा लगता है जैसे पहले वाली रूमी लौट आई है। अल्लाह उसकी खुशियों को कायम रखे, हर बुरी नजर से बचाए। तुम जाओगी ना शाम को उसकी तरफ? मैं नहीं जा सकूंगी अम्मी। क्यों नहीं जा सकोगी बेटा? उसकी सास ने इतने मान से दावत दी है, मैं तो इद्दत की वजह से नहीं जा सकूंगी, तुम्हें जाना चाहिए बहन की खुशी में, और तुम जाओगी। आपसे जरूरी बात करनी थी। जी कीजिए। वो रूमी की सास ने दावत रखी है, मैंने अम्मी को मना भी किया, लेकिन
लेकिन वो जाने का कह रही थी, मगर अगर आप चाहते हैं तो मुझे कोई चले जाए। बहन है वो मेरी, इसलिए उसे तुमसे दूर रखना बहुत जरूरी है। तो हमना खाला, नहीं काफी बोरिंग हो जाएगा। आनी थोड़ा ओल्ड स्कूल है, नहीं ना हमना? हमना भाई मेरा बच्चा है, नाम से बुलाएगा है ना? क्या हुआ, इतनी कंफ्यूज क्यों लग रही हो? गले लग के मुबारकबाद नहीं दोगे? थैंक यू। जंग खत्म करके आया हूं मैं। सही कहा था तुमने, अपनी इस नफरत की जंग में मैं भूल ही गया था कि ऊपर भी एक ताकत, उसके आगे किसी का बस नहीं चलता। रूमी को हमना की कमजोरी बनाने चला था और मुझे पता ही नहीं चला कि उसकी मोहब्बत कब मेरी कमजोरी बन गई। हमने क्या क्या हथियार डाला, अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। हमजा, इस सब में मुझे सिर्फ एक बात की फिक्र हो रही है, तुमने ये सब करने में बहुत देर ना कर दी, क्योंकि
हमना का शोहर तेरी सच्चाई जान चुका है, तो दुआ करके ऊपर वाला तेरा साथ दे, तुझे माफ कर दे। साथ दे रहा हूँ, मेरा मेरा और रूमी का रिश्ता और मजबूत कर रहा है वो। मैं बाप बनने वाला। अबे तूने मुझे अब बताई ये बात, बाप बन गया तू? कांग्रेचुलेशंस। इसकी दुआ कर यार, उनके दिल में किसी तरह का रहम है और वो मुझे माफ कर दे, वरना सब बर्बाद हो जाए। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा, तो देखना। चाचा बन गया यार, अब मुझे यकीन नहीं आ रहा। हम सबको मिल के ना रोमांसा को सल्यूट करना चाहिए कि हमजा जैसे बंदे को बर्दाश्त करती है। बट कम टू थिंक ऑफ इट, शादी के बाद तो बहुत ज़्यादा सुधर गया है यार, वरना मैं, मॉम एंड डैड, हम लोग तो बिल्कुल सारी उम्मीदें छोड़ चुके थे। ही वॉज अ कम्प्लीट लॉस्ट केस। बल्कि तुम अगर उससे शादी से पहले मिलती ना, तो तुम अपनी बहन की शादी कभी डिजास्टर से नहीं होने देती। पर खैर, अच्छा हो गया, हमजा इज बैक ऑन ट्रैक और रोमी के आने से ना हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई। इतनी सारी खुशियाँ दी हैं रोमी ने हमें, एंड नाउ इट्स आवर टर्न, वी विल मेक हर सुपर हैप्पी। हमने इसको कैद करके नहीं रखा, रोमी आ रही है, रिलैक्स। Excuse me? तुम यहाँ क्या कर रही हो? बड़ी खुशियां मनाई जा रही है ना? अल्लाह, देखो तुम्हारे दुख का अंदाजा लगा सकती हूँ मैं। काश कि तुम्हें इस बात का अंदाजा हो जाए कि तुम कितने बड़े दुख से गुजरने वाली हो। मैं ये अभी नहीं कर सकती मैं। चार साल हमना और हमजा की यूनिवर्सिटी में पढ़े, क्या बकवास कर रही हो पागल? कुछ मत बोलना, बहुत बोल लिया तुमने, आज मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे। पढ़ने पे तराज नहीं था मुझे, साथ पढ़ते हैं तो ठीक है,
4 साल दोनों का अफेयर चला है. 4 years. खबरदार जो अपने मुंह से कोई और घटिया बात निकाली. समझी? बेहतर होता है ये थप्पड़ तुम हमना के मुंह पे मारती. हमजा तो फिर भी गैर था. तुम्हारी सगी बहन ने सब कुछ जानते हुए भी तुम्हें धोखा दिया है. कौन सी दुश्मनी निभाई है उसने? खैर मुझे इन चीजों से कोई लेना देना नहीं. तुम्हारे लिए ये सब कुछ जानना बहुत जरूरी था इसलिए बता रही हूँ. बहुत दुख हो रहा है, अफसोस हो रहा है तुमको. बहुत गरूर था ना तुम्हें हमजा की मोहब्बत पे. तुम्हें लगा कि वो तुम्हारे लिए गाड़ी मार के अपनी जान देने लगा. अगर जानती हो सच क्या है? सच ये कि हमजा सिर्फ हमना से मोहब्बत करता है. तुम्हारी बहन हमना से. आज तुम्हारी और मेरी जंग खत्म है. मैं हारा मैं हारा मैं हारा.